भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवद गीता एकादश अध्याय श्लोक नंबर 35 एतकृत्ता वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरति नमस्कृत्ता भूय एवाय कृष्ण सद्गदं गदं भीत भीत प्रमाण्य स्थानि हृषिकेश तव प्रतीक तानि हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रभुष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। एतकृत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि वेपमानः किरीटि नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीतः प्रमण्यं संजय उवाच संजय कहिले एतत् एहि परि श्रुत्वा सुनि वचनं कथा केशवस्य कृष्णं कर कृताञ्जलि ही जोड़हस्त हुई वेपमान थरी थरी कीर्ति अर्जुन नमस्कृत्वा नमस्कार करी भूय पुनर्वार एव मध्य आह कृष्णं कृष्णं को कहिले सगत गदम गदगद स्वररे गीता भीतः भीतः स्तस्त प्रणाम्यं प्रणाम करी संजय धृतराष्ट्र को कहिले हे राजा परम पुरुष भगवान को एक कथा सुनी अर्जुन धृतराष्ट्र हुई थरी उठिले एवं जोड़हस्त हुई प्रणाम कले एवं गदगद स्वरले केन्द्रपति कहिबाकु आरंभ कले कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भागवत संघ भावार्थ पूर्व क्रमे कहि सारिले जे भगवान विश्वरूप दर्शन रे अर्जुन अत्यंत आश्चर्य हुई विचलित होइले एहिपरि श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करबाक डाकिले एवं गदगद स्वरले कृष्ण को प्रार्थना करबाक आरंभ कले जन बंधु हिसाब रे नुहे किंतु अत्यभुत दर्शन रे विचलित होइ भक्त हिसाब रे से प्रार्थना कले श्लोक 36 अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रभुष्यति नुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो दवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा अर्जुन उवाच अर्जुन कहिले अर्जुन वाच अर्जुन कहिले स्थाने प्रकृतरे ऋषिकेश हे इंद्रिय मानकर प्रभु तब आपणकर प्रकृत्या गौरव जगत समग्र जगत प्रभुष्यति आनंदित होउछि अनुराज्यते आसक्त होउछि च एवं रक्षांसि राक्षस माने पितानि भय जोगु दिशह दिग सबु द्रवन्ति पढाई जाउछन्ति सर्वे समस्ते नमस्यन्ति
नमस्कार करछन्ति च मध्य सिद्ध संग्रह सिद्ध मानव गण हे ऋषिकेश आपनको नाम सुनि समग्र जगत खुशी होछि एवं एहिपरि समस्त आपनको प्रति आसक्त होछन्ति जदियो सिद्ध मानव गण आपनको भक्तिपूर्ण प्रवृत्ति जनाउछन्ति तथापि राक्षस माने भीतर प्रस्त होइ एनेकु कोणे जाउछन्ति एसबु यथाजथ भावे प्रति होछि कृष्ण कृपा श्रीमती श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना कथा संघ भावार्थ कृष्ण मध्यर कुरुक्षेत्र युद्धर पराक्रम सुनि सारा पर अर्जुन भगवान एक दिव्य लोक प्राप्त भक्त होगले से स्वीकार कले जे कृष्ण द्वारा जहाँ किसी अच्छे ता सब यथार्थ अर्जुन स्वीकार कले जे कृष्ण होंगे पालनकर्ता और भक्त मान पूज्य अर्थात पूजार देवता एवं से असुर मान ध्वंसकारी अटंती तांकर कार्यकलाप समस्त प्रति मंगलदायी अटे अर्जुन यार बुझिपारे जिते कुरुक्षेत्र युद्ध शेष होता से बाह्य दशे अनेक देवता सिद्धगण और पूज्यगण बुद्धिजीवीगण बहुत संख्यार उपस्थित थे युद्ध लिखे कारण से कृष्ण उपस्थित थे जिते अर्जुन भगवान विस्वरूप देखिए से देवतागण ए खूब आनंद अनुभव कले किंतु अन्य अर्थात राक्षस और नास्तिक मैंने भगवान स्तुतिगान को सह कर पारे से रही पारे ना परमपुरुष भगवान भयंकर रूप देखी से पड़गले कृष्ण भक्त मानव प्रति पुणी नास्तिक मान प्रति जो व्यवहार ता देखी अर्जुन को प्रशंसा कर सब अवस्था भक्त ही भगवान गौरव कम कले कारण से भल रकम जानते भगवान जहाँ करते सब मंगल पाए कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सरणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् शरणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तु राधाकान्तु नमस्तुते तप्तकान्तु गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतिदेवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदगस्वामिनीति नाम्ने नमः आचार्य पदाय नीते प्रपदाय निगुरुकथा दामोदाय निगुरु हरे कृष्ण। तो आज आम एकादश अध्याय 35 नंबर एवं 36 नंबर श्लोक को पाठ कले ये भगवान ये संजय कहते 35 नंबर श्लोकटा को संजय कहते कौन कहते संजय धृतराष्ट्र को कहले हे राजा परम पुरुष भगवान एक शुणी अर्जुन भूतग्रस्त हो थरी उठिले कौन शुणिले अर्जुन जे भगवान कृष्ण ता पूर्व श्लोक कहते कौन कहते भगवान कहले द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण आदि विशिष्ट योद्धा मैंने मरी सारी केवल युद्ध कर शत्रु मान विजय हासिल कर तो प्रकृत आम जदि ठीक भाव बुझा तो ये जगत में जहाँ कि सब चली गोटे टाइम लूप ये बारंबार पुनः पुनः चली जो गोटे भगवान गोटे से जो वीडियो गेम भाया चली तो सी जा सारी कौन हम कौन हबार अच्छे कौन होता अतीत वर्तमान भविष्य विषय सब भगवान कृष्ण जा सारी आम गोटे सिनेमा देखने आम जा सारी शेष में कौन होगा जाऊँगी सेकेंड थर देखला बेलू
भगवान तो लीला प्रत्येक ब्रह्मार 12 घंटा रे हजार थर ये वीडियो गेम चलछि से वीडियो गेम रे पूरी चारटा अध्याय अछि सत्य त्रेता द्वापर कली तो भगवान जानी सारिछन्ति भगवान कहउछन्ति माने टिके क्वेश्चन लीक कर दउछन्ति जे तू काक मारबे कहउछु ये जो द्रोण हो कि जयद्रथ हो कि विष्णु हो किंबा जो मैंने योद्धा मैंने बड़ बड़ योद्धा बा कर्ण ये समस्त ऑलरेडी मरी सारी तू खाली निमित्त मात्र हुआ युद्ध कर एवं विजयर जो जयगान विजयर जो विजयर माला सीटा को तो तोर बेक धारण कर विजय हुआ तो संजय ये जितने अर्जुन शुणुंट माने से डरी जाऊँच हाथ गोड़ थरुचे परम पुरुष भगवान गोटे कथा शुणी अर्जुन वीतग्रस्त हो उठिले डरीगले भविष्य कथा शुणी से डरीगले प्राय कृष्ण अर्जुन को सेमती कथा कही ना भविष्य जानी सुधा से कही ना के आम भी साधारण जिनस गुड़ा कहूना आम आम सांग सिनेमा देखी जाइवा सेकेंड थर आम जा प्रथम थर सिनेम कौन हम आग को आम कहू कि ना कहीदे तार मजाटा किरकिरा से भगवान भी कौन हम भविष्य कहूना कहीदे से आपण समस्त जो भविष्य सब जान पकड़े आ बचार इच्छा हेबन मानने टोटाली बहुत लोग कहते ना भविष्य में कौन अच्छी जान पकड़े भल हाँ से किसी भल ना लाइफ एक्साइटमेंट अच्छी कौन हम परवर्त क्षण में कौन हम आम जानने बोली आम लाइफ को ये इजिली बंच पारे जाणीगला मैंने आम बोर हो जा बुझे ना आ बचा को इच्छा हे ना ठीक से भगवान भविष्य कथा जो कहीदे ये समस्त मृत्युवरण कर जगह अर्जुन जान सारे भगवान स्वयं कृष्ण होती स्वयं भगवान से जहाँ कहते हैं सत्य तो सी प्रकृति तार हाथ गोड़ थरुच कहीं डरी जाऊँ कहीं से जिनस को चिंता कर प्रथम तार हाथ गोड़ थरीला गांडीप को पकई से युद्ध करी ना कहीं कहते बर्तमान से ही अवस्था जो जात हो पुणी से डरी जाऊँ जड़हस्त ही प्रणाम कले गदगद स्वर निम्न मत कह लगे से नमस्कार करके भगवान को अर्जुन नमस्कार कौन कौन जे हे ऋषिकेश भगवान भगवान को ये कौन बोले संबोधन कराई ऋषिकेश ऋषिकेश अर्थ कौन हाँ इंद्रिय मान प्रभु आमर जहाँ इंद्रिय अच्छी आमर कतोटी इंद्रिय अच्छी पांचटी कर्म इंद्रिय एवं पांचटी ज्ञान इंद्रिय ये सब दसटी इंद्रिय एवं मन मन हूँ एकादश इंद्रिय ये सब इंद्रिय प्रभु बा इंद्रिय कंट्रोलर बा इंद्रिय मालिक किए कृष्ण से कहा ऋषिकेश हे ऋषिकेश आपण नाम शुणी समग्र जगत खुशी हो जो कृष्ण ए कृष्ण नाम टी बहुत सुंदर जग में सुंदर है दोना बोलो कृष्ण चाहे बोलो राम भगवान राम को नाम हो कि कृष्ण को नाम हो यह जगत जगत सब सुंदर ना कहीं राम ज रमैति राम जे निज भितर रमण कर पारे जे निजे निजे खुशी रही पारे से राम कृष्ण कृष धातु ये शब्द टी आई कृष कृष कौन व्याख्या ज अशयती स कृष्ण जे समस्त को आकर्षण करे से होंगे कृष्ण यहाँ गोटे नाउन नुह यहाँ नाम नुह यहाँ विशेषण तहार मानने एडजेक्टिव बा गुणवाचक कृष्ण गुण कौन से समस्त आकर्षण करते बोले ना कृष्ण जन को ना आम ये भौतिक जगत में ना दिहित पद्मलोचन कितना अंध हो बुझे ना क्या आप पद्मचरण छुटी छुटी चलते से क्या तनुश्री दिहित से एकदम पूरा डबल सैज हाथी भाया मोटा होता ना तनुश्री मैं तनुटा मैंने बहुत सुंदर शरीर बोले लिखा है देखा मोटा तो आम भौतिक जगत जोटा ना दिया हुए तार संगे कौन सी मैचिंग न था कि आध्यात्मिक जगत जोटा ना से तार गुण द्वैत नहीं अद्वैत मान एका आम जो भगवान कृष्ण कहे कृष्ण कली जुगे नामावतार नाम रूप से कृष्ण आई नाम इवन तर नाम बेस शक्ति अच्छे नम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तथा पिता नियमित स्मरणहीन काल आम जो पढ़ुजे शिक्षाष्टम कौन पढ़ुजे
जे भगवान कृष्ण तांकर नाम रे चैतन्य महाप्रभु कहते हे कृष्ण तुम्हें तुम नाम रे तुम सब शक्ति को पकई दे सब शक्ति को निक्षेप कर नाम ने कौन से समय एवं काल नहीं आप सका उठिक भी बिछण से बसिक भी नाम नहीं पारे आपण मैंने जरूरी नुहे गाधे कि कौन से असुविधा समय आप नाम नहीं पारे एमती नुहे कौन से समय वोसी काल स्थान पात्र नाम नाप अजोग्य नुहे कहीं नाम एत शक्ति अच्छे सब जिनस पवित्र करदे पारे किंतु भक्त मैंने चाहती जदि बेड उपर न गाधी ब्रश न कर नाम ने शक्ति अच्छे तो गाधी शुद्ध अवस्था गले आहरी तार प्रभाव पड़े से भक्त मैंने तार संपूर्ण प्रभाव नापी ब्रह्म मुहूर्त शुद्ध समय सब नाम जप करदे चाहती मैक्सीम बेनिफिट ने चाहते नहले नाम के पार तो ये कौन कहते जे आप नाम शुण समस्त जगत खुशी होती जो कृष्ण बोले कहे स्वयं कृष्ण आम जीवार से नर्तन कराचुंत कहीं नाम कृष्ण नाम एवं कृष्ण व्यक्ति दुईटा अलग अलग जिनस नुहे नामी एवं नाम व्यक्ति एवं तार ना दुईटा सामान ये कली जुगे आम संसार में आम जो पा पा कह आम जीवर पा आसब ना आमको जा ग्लास तरल पदार्थ को ग्लास आईवाक पड़ो एवं किए जल कौच किए वाटर कौच किए जल कौच एमती अलग अलग हजार हजार भाषा तार नाम अलग अलग कितु आम जो कृष्ण कौचे से स्वयं भगवान कृष्ण आम जीवार उपस्थित होती कहीं भगवान कृष्ण नाम एवं भगवान कृष्ण यहाँ अलग नुहे भगवान धाम भगवान यहाँ दुईटा अलग नुहे भगवान चित्र भगवान अलग नुहे भगवान विग्रह भगवान अलग नुहे एवं भगवान प्रसाद आ भगवान अलग नुहे आम जो प्रसाद खाऊे भगवान को खाऊे भगवान आम जीवन अच्छा भगवान को प्रसाद रूप से खाऊे जो शुणुचे भगवान को शुणुचे तो सब इंद्रिय भगवान को ग्रहण करुचे तो इंद्रिय जेहेतु से मालिक सब इंद्रिय ग्रहण कले आम इंद्रिय इच्छा गुड़ी शुद्ध हो ना मन कौन चाहब पुहटे मुझे गोटे झील सागर मो कथबार्ता हमें तांगे भाव आदान प्रदान करते पुहटे कौन चाहब तार मन कौन चाहब से झील सागर आदान प्रदान करता जीवा कौन चाहब अखाद्य गुड़ा जो टेस्ट बेस अच्छे राग मिर्चा मसला थंडा गरम ये सब खावाक चाहब आउ अधिका गली मछ मंस एम जिनस खावाक चाहब कान अन्य कथा मान शुणा चाहब कार विषय परनिंदा परचर्चा आखि यही सब जो जिनस गुड़ा देखा कथा नुहे देखा चाहिए किंतु आम भगवान सेवार से इंद्रिय गुड़ाक लगेदे से अशुद्ध इच्छा हम ना से केवल भगवान सुंदर रूप देखा चाहिए धीरे धीरे हम देखिए आओ से जिनस को पुआटे झील को देखा चाहिए ना कि झीलटे पुह को देखा चाहिए समस्त देखने भी से भितर से भगवान को अनुभव कर हृदय में परमात्मा रूप से स्वयं भगवान अंश अच्छा एवं गोटे भक्त रूप से निजर माँ रूप से माताजी रूप से देखा चाहिए आय भाव तार रहा तो आमको जब आम इंद्रिय को शुद्ध करार अच्छे आम भगवान सेवार लगे इन्हें उत्पाद हे ना आम जब भगवान सेवार न लगे जमी आम बलद मैंने के बड़ बड़ थे जो रथजात्र आने कौन भगवान सेवार लगे से कंट्रोल अच्छा कि बुला षंड मैंने से पाक माड़ जाऊँगी एपट सेपट हो कहीं भगवान सेवार नहांती निजर इंद्रिय सेवार अच्छा कौ षंड कौटी पत्र ऐठा खाला तो कौ षंड कौ गाई पचर दौड़ला किए जा युद्ध करें इंद्रिय मनर कंट्रोल ना जहाँ इच्छा ता करें कि बलद मैंने के कहते से भगवान सेवार लगे आप विश्वास करेंगे पाखे मुझे जो ढाई से ना से गेल भी है गोटे मनुष्यू भी भाव भगवान प्रति प्रेम भगवान भक्त प्रति प्रेम तर बढ़ीगला तो प्रकृति में आम आमर नियंत्रण माने स्वाधीनतार अर्थ हूँ नियंत्रण आप स्वाधीन भाव में ट्राफिक जीवाक चाहिए गोटे सेफ हिसाब से ट्राफिक रास्त जावाक चाहिए कौन करा पड़ो किसी नीति निम मानक पड़ो तेब जाए स्वाधीन जापर ये षाठ किलोमीटर से पचास किलोमीटर से अशी किलोमीटर स्पीड में जापर से लिमिट को मानिपर आप किंतु कौन ट्राफिक नियम मानक पड़ो बाँ सैड पड़ो हेलमेट पिंधा पड़ो तापर जो ट्राफिक नियम जो लाल बत्ती अच्छी लाल बत्ती जो न मानवे सांगे सांगे से स्पट कोड़े पचीस लोक मरीज
ସେ ଟ୍ରାଫିକ ଯେଉଁ ଛକ ଥାଏ ଯିଏ ଜାରି ସାରି ଚଳିଲେ ବାଡ଼ାବୁଡ଼ି ହେଇକି ସେଠି ମରିଯିବେ। ତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବା, ନିୟମ ମାନିବା। ଆର୍ ବେନିୟମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରାଧୀନ ତାପରେ ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଡ଼ରେ ଏମିତି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବାନ୍ଧିକି ରସିରେ ଝୁଲା ହେଇଥିବ ଗୋଡ଼ଟାକୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ରହିଲେ ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ମାନେ ପୁଣି କେତେ ମାସ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼ରେ ରହିବେ, କି କୁମାରେ ପଳେଇବ, କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, କାହାର ଗୋଡ଼ ହାତ ଝୁଲିଥିବ। ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମକୁ ଯଦି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲାମାନେ ଏତେ ଆପଣ ଡେଞ୍ଜରରେ ପଡ଼ିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନୀତି ନିୟମକୁ ଯଦି ଆମେ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଡେଞ୍ଜରକୁ ଆମେ ମାନେ ଡାକି ଆଣୁଛେ। ତ ଏବଂ ଏହିପରି ସମସ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ପୋକ, ମାଛି, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ବାଘ, ସିଂହ, ସବୁ ହିଂସ ପଶୁମାନେ, ସବୁ ତୃଣଭୋଜୀ ପଶୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବାଘ ଆଉ ହରିଣ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇକିରି କୀର୍ତ୍ତନରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହିଂସ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ତାର ହିଂସତାକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ଯେମିତି ଏମିତି ବଳଦମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଜେନେରାଲରେ ସେମାନେ ମାରି ପକେଇବେ, କିନ୍ତୁ କେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କେତେ ବାଜା ଫାଜା ବାଜୁଛି, ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ, ଆମେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଢଳ ପଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନଟା, ଇଏ ମାନେ ହିଂସ ଜୀବକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନମ୍ର ଜୀବ କରିଦିଏ। ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇ ସିଂହ, ବାଘ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାୟପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସନ୍ କରି ଚଣ୍ଡିକା ଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗଛମାନେ ବି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ନୃତ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସାରା ସଂସାର ଏଇ ହରିନାମରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଦଶବିଧ ନାମ ଅପରାଧରେ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ ହେଉଛି ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲୋକଙ୍କୁ ହରିନାମର ମହିମା ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମର ମହିମା ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେନି, ସେ କହିବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସ, ପ୍ରସାଦ କର, ଏସବୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ହରିନାମ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଏଇ ହରିନାମ ଶକ୍ତିରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ସମ୍ଭବ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଯଦିଓ ସିଦ୍ଧ ମାନବଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବା, ଯେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିସାରିଲାଣି ତାକୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧ କହିବା। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ମୁଁ କିଏ, ଭଗବତ ଧାମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଭଗବତ ଧାମରେ କ'ଣ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲି, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସିଦ୍ଧି। ମୋର ଅରିଜିନାଲଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିପକେଇଲି, ନାମ କରିକରି ଦେଖିବେ ତାପରେ ଆଣି ଏବେ ଯେଉଁ ଅମଙ୍ଗ ଲୀଲା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ତିନିଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇକି ରହିଆସିଛି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଭାସ ହେଇସାରିଲାଣି ଯେ ମୁଁ ତିନିଟା ଜନ୍ମ ହେଲା। ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଆଭାସ ହେଉଥିଲା ଯେ ଭଗବତ ଧାମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ଗଛରେ ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ଫଳ ହେଇକି ଅଛି, ତେଣୁ ଖାଲି ସେ କାକୁଡ଼ିର ବାସ୍ନା ଭଳିଆ ବାସ। ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ଯଦି ନ ଖାଇବେ ଆପଣ ଝାଳରେ ବି ଆଉ ଗନ୍ଧ ବାହାରିବନି, ମାନେ ଏତେ ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଝାଳରୁ ବି ବାସ୍ନା ବାହାରିବ, ଏରୋମା ବାହାରିବ, କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଇଏ ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କରନ୍ତି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିଦେଲା ମାନେ ଦେହରୁ ଝାଳ ବି ଗନ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ଦେହରୁ କାକୁଡ଼ି ଭଳିଆ ବାସ୍ନା ବାହାରୁଥିଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ହୁଏତ ମୁଁ ଭଗବତ ଧାମରେ କାକୁଡ଼ି ହେଇଥାଇପାରେ, କାହିଁକି ଭଗବତ ଧାମରେ ଆମେ ଯାହା ଗୋଡ଼ି ପଥର ମାଟି ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ଚିହ୍ନ ହେଇଛେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତୃପ୍ତ ହେଇଛେ ଏବଂ ଆମର ସେଠି ସ୍ଥିତିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶାଶ୍ୱତ। କାକୁଡ଼ି ହେଇଛି ମାନେ ଜଣେ ତୋଳି ଆଣିବ କାଟିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣ ପୁଣି ସେଠି ଥିବେ, ଭଗବାନ ପାଖକୁ ସେବାରେ ପଳେଇଗଲେ ପୁଣି ସେଠି ଥିବେ, କାହିଁକି ସେଠି ସବୁ ନିତ୍ୟ, ସେଠି କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ଅନିତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯାହାର ଯେଉଁଟା ସ୍ଥିତି ଅଛି ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, କି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ବି ହେଇଛି, କି ପଥର ହେଇଛି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ଲାଗିକି ରହିଛେ। ଏମିତିରେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ି ହେଇଛି ମାନେ ମୋର ପୋଜିସନଟା ତଳ ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଦେଉଛି ମାନେ ତାର ପୋଜିସନଟା ଉପରେ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପୋଜିସନ ବୈକୁଣ୍ଠ କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ। ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ କାହାରି ପ୍ରତି ହିଂସା ହେଉଛି କି, ଯେ ସେ ମାତାଜୀ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଜୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି, ସେ ପ୍ରଭୁ ତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭେଦଭାବ ଆସୁଛି ଯେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି ତାର ବି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଯିଏ ପୂଜା କରୁଛି ତାର ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଯିଏ ପୂଜା କରୁଛି ସେ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ, କିମ୍ବା ଯିଏ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛି ସେ ବି ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛି ବହୁତ ଛୋଟ ଲୋକ। ତେଣୁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିଲେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁନାହିଁ, ଯିଏ ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛି ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତ ଭଗବତ ଧାମରେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ତ
समस्ते जो सिद्ध पुरुष जे जानी सारे स्थिति कौन समस्ते भगवान को ही प्रणाम करुछन्ति परम ब्रह्म को निर्विशेष को शून्य को प्रणाम करना से माने कृष्ण को प्रणाम करुछन्ति तथापि राक्षस माने भीतग्रस्त हो तेणी पढ़ाई जाऊँगी किंतु जो मैंने राक्षस जो मान असुर सुर कौन सी जिन मन ना से किए से कौन पाई धराधाम को आई शरीर कौन पाई मिली यू जी न जाणी आम कौन कह असुर जे पाप काम लिप्त रोचे ये तार मन भी ना कि शांत भाव में नई पड़े जीव हत्या करुचे अन्न मान कष्ट दूचे अन्न मान हैरान करुचे भक्त मान हैरान करुचे एवं धर्म कार्य से जे बाधा पहुँचुची ताको आम कौन कह राक्षस एवं से राक्षस मैंने भगवान रूप को जिते बड़े देखुं से डरी जापट सेपट पलायन करुँ तो ये सब ठीक भाव किंतु जहाँ कि निश्चित भाव जो मैंने सिद्ध पुरुष से भगवान को प्रणाम करेंगे और राक्षस मैंने भगवान को ठार दूरे जी ये गोटे साधारण कथा हरे कृष्ण।